A very warm welcome and hello to our and welcome back to our channel Pebbles Live CBSE in Hindi. इस चैनल में हम आपको जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं CBSE बोर्ड के फॉर क्लास फोर्थ उनका एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे रहे हैं अभी कि बच्चों के लिए थोड़ा अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए अच्छा हो और मॉमीज को भी थोड़ी हेल्प हो पाए. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट. और मैं फिर अपने आप को एक बार रिपीट कर रही हूँ जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कर चुकी हूँ कि ये जो भी मैं लेसन्स ले रही हूँ वो अपनी NCERT की बुक से ले रही हूँ. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लेसन. तो आज का जो लेसन है वो है हमारा चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट. लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या है इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, आप लोग सुबह स्कूल जाते हैं, सुबह स्कूल जाते ही आपका असेंबली होता है. असेंबली में टीचर आपको जब लाइन में खड़ा करती है तो वो क्या कहती है, स्टैंड अकॉर्डिंग टू योर हाइट. मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा. आप लोग कुछ इस ऑर्डर में खड़े होते हैं. राइट, कुछ ऐसे खड़े होते हैं आप लाइन में. तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे शॉर्ट कौन सा है, ये. सो दिस इज शॉर्ट. और जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे लॉन्ग होता है, टॉलर होता है, वो यहां पे खड़ा होता है. सो इट इज लॉन्ग. ओके, तो इसी तरह से ये है आपका लॉन्ग और शॉर्ट. इसके और भी एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको दूंगी आगे जाके. तो फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. तो जो हमारा लेसन है सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा है हाउ फार अपार्ट आर दी डॉट्स, कितने दूरी पर ये डॉट्स हैं. अब आप लोग कहेंगे कि इनका दूरी फाइंड कैसे करें हम, आपकी बुक में इतने सारे डॉट्स दिए हैं उनकी दूरी आप कैसे फाइंड ऑफ करेंगे. ये क्वेश्चन है फर्स्ट पेज नंबर 13 का. तो पहले उसके लिए आपको चाहिए एक रूलर जो आप लोग लेके रखिए और इससे हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपके पास अल्फाबेट्स दिए गए हैं ए टू ओ तक, ए से ओ तक के अल्फाबेट्स दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि आपको उनका डिस्टेंस फाइंड करना है. तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे हम ए टू बी का फाइंड कर देते हैं, बी टू डी, डी टू ई, जैसे एक पजल सॉल्व करते हैं ऐसे करके हम चल लेते हैं. बट ऐसा आपको नहीं करना है. आपको क्या करना है, पहले ए टू ओ तक मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर आपको ए टू सी का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फिर आपको ए टू डी का डिफरेंस फाइंड ऑफ करना है, फिर आपको ए टू ई का डिफरेंस फाइंड ऑफ करना है, फिर ए टू एफ का, फिर अप टू ए टू ओ तक का डिफरेंस ऐसे फाइंड ऑफ करना है. इसी ही तरह आपका बी से भी है, फिर जब आपका ए टू ओ तक का हो जाएगा फिर आपको बी से करना है. तो बी का कैसे होगा, बी टू ए, बी टू सी, बी टू डी, बी टू ई और अप टू बी टू ओ. इसी तरह से सी का होगा सी टू ए, सी टू बी, सी टू डी, सी टू ई, अप टू सी टू ओ. इसी तरह से डी एंड इसी तरह लास्ट तक जाते जाते ओ तक आपको पूरा डिफरेंस फाइंड करना है एक चार्ट के फॉर्म में. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहले इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैंने बोला है जैसे कि आपको एक स्केल चाहिए, एक रूलर चाहिए, आप उसे लेके रखिए और हम देखते हैं कि हम किस तरह से ये करेंगे. तो देखिए आपकी बुक में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जैसे ए टू बी तक का है. तो पहले आप अपना रूलर ए पे रखेंगे, ए टू बी तक का डिफरेंस फाइंड ऑफ करेंगे. जैसे इसका डिफरेंस है 3 सेंटीमीटर, कैसे आया मैं आपको बताती हूँ. आपका ए यहां पे है और बी यहां पे है, इस तरह का पॉइंट है. मैं आपको कुछ पॉइंट्स करके भी दिखाती हूं. फिर आपका ए से दूरी पे है सी, लेट मी चेक आउट कितना आ रहा है, मैं फिर उसी हिसाब से करके दूंगी आपको.
फिर है आपका डी, फिर है आपका ई, ये कुछ यहां पे आ रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं अब आप इसका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास स्केल है, आप पहले ए पे रखेंगे, यहां से ऐसे करके नापेंगे, ये मेरा डिफरेंस जो आएगा वो कुछ आएगा आपका 3 सेंटीमीटर आपकी बुक में। मैंने थोड़ा सा दूरी पे मार्क किया तो इट कैन कम टू, इट इज कमिंग टू 5 सेंटीमीटर, बट जो आपका आएगा वो आएगा आपका बुक के अकॉर्डिंगली। अगर हम लोग चलें तो आपका बी टू ए का डिफरेंस आ रहा है आपका 3 सेंटीमीटर्स। फिर ए टू बी का हो गया, अब ए टू सी का करेंगे। ए टू सी का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो आपका कुछ आ रहा है, ए टू सी का डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर। ए टू थ्री का डिफरेंस, ए टू सी का डिफरेंस आपका आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से ए से डी तक पे जाएंगे आप, ए से डी तक में जब हम जाएंगे तो वो आपका कुछ आ रहा है डिफरेंस 4.6 सेंटीमीटर। इस तरह से फिर ए टू ई का जब हम देखेंगे, मैं ये वो डिफरेंसेस लिख रही हूं जो आपकी बुक में मेंशन है, ये कुछ आ रहा है आपका ए टू डी का 3.8 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली। ओके, तो इसी तरह से आप सबके डिफरेंसेस फाइंड ऑफ करेंगे, जैसे हमने ए से ई के क्या है ऐसे आप ओ तक, फिर बी से सबका करेंगे, सी से ओ, ऐसे करते करते ओ तक आपको सबका डिफरेंस फाइंड ऑफ करना है। ओके, आई होप सो आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट। गेस द डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट्स एंड गेस हाउ मच इट इज। अब ये करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। सपोज करिए ये है आप और आपका नाम है एक्स। दिस इज जस्ट अजम्पशन जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। फिर है हम आपका कोई और फ्रेंड जो है वाई, ये हो गया वाई। आप खड़े हैं यहाँ पर एक्स और ये खड़ा है वाई यहाँ पर। अब आपको फाइंड करना है कि आप दोनों का डिस्टेंस कितना है, आप दोनों की दूरी कितनी है। तो ये फाइंड ऑफ करने के लिए हम मेजर करेंगे। मेजर किससे हम करेंगे, हम रूलर से मेजर करेंगे। तो जब मैं यहाँ पर रखती हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है तो सब थोड़ा सा मैं पास लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटा रूलर है इस समय, इसलिए मैं थोड़ा सा पास कर रही हूँ। नहीं तो अगर रूलर बड़ा हो तो आप दूरी पे भी कर सकते हैं। वाई इस तरह से अगर मुझे डिफरेंस फाइंड ऑफ करना है तो मैं देखूंगी कि आप दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो नियरली 29.4 सेंटीमीटर्स आ रहा है, 29.4 सेंटीमीटर्स। इस तरह से अगर और दूरी पे मैं आपके फ्रेंड को खड़ा करती हूँ, सपोज करिए आप यहाँ पे खड़े हैं और वो यहाँ पे खड़ा है, और हमें अब आपका डिफरेंस फाइंड ऑफ करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। हम रूलर लेंगे, मेरे पास यहाँ पे एक रूलर है, यहाँ से यहाँ तक का जब मैं डिफरेंस फाइंड करूँगी तो ये आप दोनों का आ रहा है 21 सेंटीमीटर्स की दूरी। ओके, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ आ रही है आपकी, सॉरी वो छोटा था तो उसके छोटे के अकॉर्डिंगली आ रहा था, अब ये बड़ा रूलर है तो ये इसके अकॉर्डिंगली मैं ले रही हूँ। ओके, इसके अकॉर्डिंगली जो आपकी दूरी आ रही है वो कुछ आ रही है नियरली 11.5 सेंटीमीटर्स। ओके, तो आप इस तरह से अपना डिफरेंस फाइंड ऑफ कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं आगे, ये है डिस्टेंस जो बीच का रास्ता है, जो बीच का आप कह सकते हैं खाली स्पेस, जो भी डिस्टेंस है, जो भी गैप है, दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द एरिया जो आपको फाइंड ऑफ करना है। एरिया इन सेंस जो जगह है, वो एरिया नहीं बोल रही हूँ मैं मैथ्स वाला, मतलब जो भी आपका ये
एक दूसरे की दूरी है, दैट इज योर डिस्टेंस। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट। ये है गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट। मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। डिड यू गेस इट राइट? क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको यह करना है, देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स दिए गए हैं, आप कोई भी एक डॉट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने सिलेक्ट किया है डिफरेंस आपका, कुछ हम करते हैं ए टू एच तक का डिफरेंस। आप गेस कीजिए कि ए टू एच तक का डिफरेंस कितना होगा, गेस कीजिए आप लोग अपने पॉइंट पे। किया आपने गेस? अब आप एक रूलर लीजिए और नापी ए टू एच तक का डिफरेंस कितना आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंगली ए टू एच तक का डिफरेंस आपका आ रहा है 4.8 सेंटीमीटर्स। तो हम लिखेंगे आंसर, गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, द डिस्टेंस बिटवीन ए टू एच is 4.8 सेंटीमीटर्स, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। यस 4.8 आ रहा है सेंटीमीटर। डिड यू गेस इट करेक्ट? क्या आपने सही गेस किया था? अगर किया था तो यू विल राइट यस, अगर नहीं किया था तो यू विल राइट नो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू डॉट्स Do you think are farthest from each other? Check your answer. आपको करना है which two dots are farthest from each other? Check your answer. अगर हम ये कैलकुलेट करें तो आपको मैंने पहले बोला था आपको सब पॉइंट से अगले पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो O to M है उसका डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही आ रहा है, जो है हमारा नियरली टू नियरली 10.8 सेंटीमीटर्स के अराउंड आ रहा है। तो आपका जो ये होगा, विच टू डॉट्स आर फार्देस्ट फ्रॉम ईच अदर, ओ एंड एम आर फार्देस्ट फ्रॉम ईच अदर द डिस्टेंस इज 10.8 सेंटीमीटर्स। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसी तरह से आपका थर्ड आंसर क्वेश्चन है, विच टू डॉट आर नियरेस्ट टू ईच अदर, विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, कौन से डॉट एक दूसरे के पास हैं, विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर। सो कौन से ऐसे दो डॉट्स हैं?
अगर आपने पहले सबका मेजरमेंट किया होगा तो आपको पता होगा वो है ओ टू डी, जो मैंने आपको बोला था दैट इज 1 सेंटीमीटर. सो विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर? ओ एंड डी आर नियरेस्ट टू ईच अदर. The distance is 1 सेंटीमीटर. डिस्टेंस कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर. आई होप सो आपको ये सब क्लियर हुआ होगा और आपको समझ आए होंगे ये सब आंसर्स. तो अब बढ़ते हैं आगे. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द शॉर्टर लाइन.